नमस्कार दोस्तों, गुजरात के मोरबी में 143 साल पुराना हैंगिंग ब्रिज हाल ही में टूट कर गिर गया। आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स पर ये जरूर सुना होगा। ये ब्रिज जो है 143 साल पुराना था और ये टूट कर गिर गया। इस हादसे में करीब 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इस हादसे का जो सबसे मेन कारण बताया जा रहा है कि इस ब्रिज पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग मौजूद थे, इस कारण यह हादसा हुआ है। दरअसल इस ब्रिज पर जिस समय हादसा हुआ उस समय 500 से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन इस ब्रिज की कैपेसिटी जो क्षमता थी वो सिर्फ 100 लोगों की ही थी। क्या प्रशासन उस समय सो रही थी जिस समय यह घटना हुआ? यदि उस ब्रिज की क्षमता सिर्फ 100 लोगों की ही थी तो उस ब्रिज पर 500 लोग कैसे चले गए? प्रशासन को यदि जानती थी कि यह ब्रिज जो है कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है या फिर कोई भी वैसी जगह जहाँ कोई कभी भी कुछ हादसा हो सकता है तो लोगों को जाने से तो रोक सकती है, प्रशासन उस समय क्या कर रही थी, एक सवाल उठता है। इस हादसे की जांच के लिए गुजरात सरकार ने 5 लोगों की टीम का SIT का गठन किया। अब यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि हमारे देश में कोई भी घटना या हादसे होती है तो सरकारें जो है सीधे क्या करती है, वो एक लोगों को यह बताती है कि हमने एक SIT 3 लोगों की SIT टीम का गठन कर दिया है जिसमें वो इस हादसे की जांच करेंगे और इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे इसके उन्हें सजा दी जाएगी। हमारे देश में यही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पिछले 2-3 महीना पहले ही बिहार के दरभंगा में एक पुल जो है नदी के बहाव में बह गया था। उसके बाद बिहार सरकार ने कहा था कि हमने 3 लोगों की SIT की टीम गठन कर दी है जो इस पुल की जांच करेंगे कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आज तक 3 महीने बीत गए, आज तक इसका कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। तो हमारे देश में एक और मजेदार बात ये होती है कि सरकारें जो है लोगों को सद्भावना देने के लिए, लोगों को शांत रखने के लिए बोल देती है कि हमने एक SIT टीम का गठन कर लिया, लेकिन उसका बहुत सारा SIT टीम का रिपोर्ट आता है लेकिन आधा SIT जो जांच होती है उसका रिपोर्ट ही नहीं आता है, लोगों को बताया ही नहीं जाता। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पुल गिरा है गुजरात के मोरबी में, ये पुल जो है गिरने से सिर्फ 5 दिन पहले ही इसे दोबारा चालू किया गया था। दरअसल उससे पहले ये पुल जो है हैंगिंग ब्रिज जो है वो बंद था, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था। दरअसल इस पुल में, इस ब्रिज में मेंटेनेंस का कार्य जो है ओरेवा ग्रुप के पास है। ये कंपनी जो है जो भी भारत में हमारे पुल होते हैं, ब्रिज होते हैं, इस इन सब चीज को बनाती है, ये उनको मेंटेनेंस का कार्य ये सब ये कंपनी करती है। इस पुल के भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इसी कंपनी के पास था। इस कंपनी ने 22 मार्च 2037 तक इस पुल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इसी कंपनी के पास थी, मतलब कि 15 साल की जो गुजरात सरकार से कॉन्ट्रैक्टेड थी। इस ब्रिज का इतिहास यदि हम जाने तो इस ब्रिज का इतिहास भी बहुत ही आधुनिक है, जो अंग्रेजों के समय का ही, अंग्रेजों के समय से भी पहले का। दरअसल मोरबी राजा बाजी राव जी ने केबल ब्रिज उस समय इस ब्रिज को जो है झूलता हुआ ब्रिज कहा जाता था, झूलता हुआ पुल कहा जाता, इसे बनवाया था। इस ब्रिज को 1879 में बनाया गया था, मोरबी के राजा ने इस ब्रिज को बनवाया था 1879 में। इस ब्रिज को ब्रिटिश इंजीनियरों को द्वारा बनाया गया था, या जो है ये ब्रिज जो था वो ब्रिटिश इंजीनियरों को द्वारा बनाया गया एक आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया हुआ ब्रिज था। ब्रिटिश शासन में यह ब्रिज जो है एक अच्छी इंजीनियरिंग का प्रतीक भी रहा। राजकोट से 64 किलोमीटर दूर मच्छु नदी पर स्थित ये मोरबी का हैंगिंग ब्रिज जो है लोगों के लिए वहाँ एक आकर्षण का केंद्र भी था, लोग यहाँ पर घूमने भी आते थे। गुजरात सरकार की टूरिज्म लिस्ट में मोरबी का ये ब्रिज भी था, यहाँ पर लोग आते थे घूमने के लिए, आते थे टूरिस्ट प्लेस्ट आते थे। तो हमने आपको गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के बारे में बताया। बहुत सारे लोग इस हादसे के बारे में नहीं समझ पा रहे थे कि दरअसल बात क्या है, तो हमने यही आपको बताने की कोशिश की कि ये घटना जो है ऐसे घटी थी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो।